हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, गर्मी के मौसम में प्रेग्नेंट महिलाओं को कुछ चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जिसे अगर आप इग्नोर करती हैं तो आपकी दिक्कतें बढ़ सकती है। इसीलिए आज के इस वीडियो को पूरा देखें। इस वीडियो को देखने के बाद आप पूरी तरह से स्वस्थ रह सकती हैं। तो फ्रेंड्स, अगर गर्मी का मौसम है तो आपके पेशाब में जलन हो सकती है। यूरिन पास करते वक्त या फिर नॉर्मली आपको लगता है कि जलन सी हो रही है तो ये गंभीर लक्षण है डिहाइड्रेशन का। आपके शरीर में पानी की कमी है। आपके शरीर में पानी की कमी होना बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। इससे गर्भ में पड़ रहा शिशु जिस एमनियोटिक फ्लूड में होता है उस पर भी असर पड़ता है। तो डिहाइड्रेशन आपके शरीर में होना आपके और आपके गर्भ में पड़ रहे शिशु के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। कई बार आप लंबे समय तक डिहाइड्रेट रहती हैं तो इससे किडनी और यूरिन में इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो ऐसे में आपको भरपूर मात्रा में पानी पीना चाहिए। पानी को आप अलग अलग तरीके से तैयार कर सकती हैं, जैसे कि फ्रूट स्लाइसेस डालकर या नींबू पानी, छाछ, इसमें गोंद कतीरा डालकर आप पी सकती हैं, क्योंकि गोंद कतीरा पेशाब में जलन से बहुत ज्यादा राहत दिलाती है। कई बार आपने देखा होगा कि आप घर में हैं, ज्यादा भागदौड़ भी नहीं कर रही है, मेहनत भी नहीं कर रही है, उसके बावजूद भी आपके होंठ बहुत ज्यादा सूखते हैं, होंठों पर पपड़ी से पड़ जाते हैं। होंठ सूखना अगर आपके साथ हमेशा रहता है तो ये आपके शरीर में पोषक तत्वों की कमी और इलेक्ट्रोलाइट और पानी की कमी के लक्षण हैं। तो सबसे पहले तो आपको अपनी डाइट अच्छे करने हैं। डाइट में आप कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, थोड़ा गुड क्वालिटी फैट, पानी और कुछ फाइबर आदि शामिल कर सकती हैं। इसके अलावा आपको पानी अच्छे से पीना है ताकि जो फूड आपने खाए हैं वो अच्छे से डाइजेस्ट हो सके। साथ ही कोशिश करें कि आप सूप जैसी चीज़ें, जैसे कि दाल दलिया जैसी चीज़ें ज़्यादा लें, जिससे कि आपका हाइड्रेशन मेंटेन रहे। तीसरा लक्षण है कि जैसे ही गर्मियाँ शुरू होती है प्रेग्नेंट महिलाओं को लगता है शरीर टूट रहा है, बहुत थकान हो रही है और काम करने की इच्छा भी नहीं होती है। ये बदलते मौसम में बॉडी धीरे धीरे एडजस्ट होती है और ये लक्षण भी दर्शाता है कि हो सकता है कि आप में हीमोग्लोबिन का लेवल कम हो सकता है कि हाइड्रेशन लेवल कम हो सकता है कि विटामिन कम हो शरीर में। तो ऐसे में डॉक्टर के द्वारा दी गई सप्लीमेंट अच्छे से ले, पानी खूब पिए, वाटरी फ्रूट्स खाएं, नींद अच्छी लेनी है ताकि आप किसी भी प्रॉब्लम को ज़्यादा बड़ी होने से रोक सके और अपने प्रेगनेंसी को एक हेल्दी प्रेगनेंसी बना सके। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना खास ख्याल रखें। बाय।